दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने में क्या भाजपा का हाथ है पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की बातें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं इस पर चर्चाएं भी हो रही हैं प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ज्यादातर देखा भी गया है कि जो भी भ्रष्टाचार के, के केस में फंसता है तो वो आरोप जो है या तो प्रधानमंत्री के ऊपर लगा देते हैं या फिर भाजपा के ऊपर लगा देते हैं कि भाजपा जो है इसके पीछे भाजपा है भाजपा ही षड्यंत्र रच रही है और जब इलेक्शन आते हैं तो उसके आसपास वो इस तरह से खेल खेलते हैं ताकि सारे अच्छे लीडर जो हैं वो शांत हो जाएं चुप हो जाएं और वो आराम से जीत पाए अब इस पर सवाल उठ रहा है इस पर चर्चा करेंगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट उमा कपाई हैं जो भाजपा की मीडिया सेक्रेटरी हैं अच्छा मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या आप आपकी पार्टी है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने के पीछे नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अरविंद जी को नौ बार ईडी का समन गया था और अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था तो एटलीस्ट उनको एक समन पे तो हाजिर होना ही था और वो लोग कहते हैं कि समन जो है इलीगल आया है जब भी समन कोर्ट का आता है तो वो लीगल ही होता है उसको हम इलीगल कैसे बोल सकते हैं जुडिशरी जो हमारा थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है जब वो इनके हित में काम करेगी तब ये उनकी वाहवा करते हैं अगर वो इनके साथ कुछ भी कसने की कोशिश करती है या इनको बुलाने की कोशिश करती है तभी उसको दुस्तारते हैं तो ऐसे तो अः मुझे लगता है कि जैसे अब हमारे अरविंद जी है ये कहते हैं कि मैं देश चलाऊंगा बहुत अच्छे से मेरे करूंगा बट इन्होंने तो देश को खोखला कर दिया था दिल्ली की बात कर लो सिर्फ बिजली सस्ती करने से या वो सब चीजें करने से नहीं देश चलता देश को वो खोखला कर रहे थे और अगर वो सही थे और जो इंसान सही होता है वो डरता नहीं है चोर की दानी में तिनका कहते हैं ना बट उनकी पूरी ही दाढ़ी में तिनका है वो पूरे ही ऐसे थे कि अगर उनमें कोई भी सच्चाई होती वो एक बार नहीं तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार कोर्ट में जाते पूछते तो सही कि बताओ भाई मैंने क्या किया उनके पास प्रूफ होता उस चीज को डिनाय करने का बट वो बाहर रहकर एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे कुछ अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो जो भी उनका नेता एडी के पास गया तो वो कभी वापस नहीं आया वो गिरफ्तारी हो गया और अब तक तो सलाखों के पीछे ही बैठे हुए हैं बाहर आए नहीं रहे तो ऐसे में एक नेता का ईडी के सामने ना जाना या जा उनके पास ना जाना तो उसके पीछे ये कारण नहीं लगता उनको भी पता होगा कि गिरफ्तार कर ही जाएंगे लेंगे ये लोग अगर सर वो सच्चे हैं अगर उन्होंने कोई भी स्कैम नहीं किया हुआ, अब शराब का घोटाला देख लो जिसकी बात इतनी चर्चाओं में चल रही है अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो उनके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने का बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं था वो उल्टा एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और ईडी ने उनको नौ बार समन भेजा हम मैं आम जनता से पूछती हूँ या मैं आपको बताती हूँ कि कोई एक समन भी आता है तो हमारे लोग उसी टाइम कोर्ट पहुंच जाते हैं तो ये तो चीफ मिनिस्टर थे तो अगर इनमें इतना ही था तो जाते ना ईडी के समन की एक पे जाते दूसरे पे जाते तीसरे पे जाते गए क्यों नहीं और ये कहते हैं मुझे देश चलाना है देश को तो ये खोखला कर रहे हैं तो कैसे ये देश को चलाएंगे खोखला कैसे कर रहे हैं? क्या कर रहे रहे हैं हैं क्या देखिए करप्शन देखो कितनी कर रहे हैं ये लोग एक आरटीआई थी जो इन्होंने अप्लाई की थी जिसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने कुछ चंद पैसे लगाए थे स्कूल बनाने में बट उसका जो इन्फॉर्मेशन आती वो तो इन्होंने पचास लाख रुपए लिए थे वो पैसा गया कहाँ इनको पता होगा वो पैसा कहाँ गया वो तो सारा करप्शन में जा रहा है इनका पैसा तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो यही बोलते कि हम करप्ट लोगों को नहीं रख सकते और जो करप्ट लोग हैं उनको काटा जाएगा तो इससे तो यही लग रहा है कि भाजपा ही है पीछे जिन्होंने उनको अंदर पहुंचाया बिल्कुल भाजपा तो उसके पीछे नहीं है जो हमारी पुलिस है जो हमारी जुडिशरी है उन्होंने अपना जो है रोल अदा करना ही है जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम है जो कभी करप्ट भी नहीं हो सकती है तो हम उनको मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते उनके पास लॉज भी है रूल्स भी है सब कुछ है नो बार समन भेजा अगर वो इतने सही थे तो एक सम्मान पे तो आ जाते अपनी बात तो रखते फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका यूटिलाइज सब करते हैं तो ये भी करते अगर ये लोग सच्चे थे तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सब चीजें कर रहे हैं इन सब चीजों से इनको क्या मिलेगा अगर पहले समन पे आ जाते तो आज यहाँ तक बात नहीं पहुंचती आज के बात घुमा फिरा के भाजपा पे क्यों आती है वो तो अपने इलेक्शंस के लिए बिजी हैं वो तो अपने इलेक्शंस के लिए जुट रहे हैं कोई नॉमिनेशन कर रहा है कोई कुछ काम कर रहा है और अगर हम जे की बात करें तो आज स्टोन पेल्टिंग जो हमारे कश्मीर में आए गिने दिनों में हमेशा होती थी आज आप देख लो उसका रेट कहाँ है अगर हमने सी डबल ए लागू लागू किया इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको क्या दिक्कत हो रही है हमने एक टाइम पीरियड दिया है कि 2014 से पहले जो भी माइग्रेंट्स आए थे अफगानिस्तान से पाकिस्तान से बांग्लादेश में जहां पर मुस्लिम की मेजोरिटी ज्यादा है और बाकी रिलीजन्स की मेजॉरिटी थी जिनको सफर मिल रहा था आप अगर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो वहां पर उस टाइम पे पंद्रह थे आज तो एक भी नहीं कहाँ गए वो लोग उन लोगों को कहाँ छोड़ा इन्होंने अगर कोई हमारे देश में आके पनाह लेना चाहता है चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो तो हम उसको देंगे एक्सेप्टेंस उसको हम सिटीजनशिप राइट्स भी देंगे अगर मुस्लिम मिनोरिटी में होते तो हम उनको भी यहां देते बट मुस्लिम की मेजोरिटी अफगानिस्तान पाकिस्तान जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है अगर रिलीजन के बेस पे इनको मारा जा रहा था या इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था इनके साथ स्लेवरी बिहेव किया जा रहा था तो अगर हमने इनको अपनी कंट्री में लाके सिटीजनशिप की बात की तो बाकी पार्टी वालों को क्या दिक्कत हो रही है जो भाजपा कर सकती है वो बाकी पार्टी वाले नहीं कर सकते तो मुझे लगता है इसीलिए इन सबको दिक्कत हो रही है कि भाजपा जो है इतने काम कैसे कर रही है जो दस सालों में क्या पचास सालों में ये लोग नहीं कर पाए वो हम लोगों ने पांच से सात सालों में हर एक चीज की चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एम्स हो चाहे आई एम एस हो आई आई टी हो चाहे देश को चांद पे पहुंचाना हो चाहे हमारे अब जैसे प्रधानमंत्री जी कल भूटान गए हैं तो आप देखिए कितनी उनकी स्वागत की जा रही है

उनकी जो एसोसिएशन है जो हमारे इतने बड़े अच्छे आ, मंत्री हैं गृह मंत्री अमित शाह हो गए हमारी नड्डा जी हो गए इन सब ने इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन की है कि हमारा देश जो है आज वो ऊंचाइया छू रहा है यूपीआई जो है हमारा पेटीएम सिस्टम जो है वो बाहर तो नहीं चलता बट यहाँ आराम से आज चल रहे मॉडर्नाइजेशन भी आ रही है डेवलपमेंट भी हो रही है अब देश इतना खोखला कर दिया हुआ उसको ठीक करने में वक्त तो लगेगा यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली के वो भ्रष्टाचार कर रहे थे या उनकी पार्टी ही पूरी इन्वॉल्व थी उसमें क्या भाजपा नहीं भाजपा के नेता जो है वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं देखिए सर अगर हम स्टार्ट की बात करें स्टार्ट के हिसाब से तो जो हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी आए हैं वो भी सही आए हैं क्योंकि लोग जो है वो खुश हैं भाजपा के काम से और वो ही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है हमारे तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने ठीक है जो रही बात करप्शन की करप्शन जो है वो तो स्टैट्स बताता है वो तो उनकी आर टी रिपोर्ट्स बताती हैं दूसरी पार्टीज की कि वो क्या कर रही हैं और वो कैसे कर रही हैं अगर आप हमारा बैकग्राउंड चेक करो तो हमारी पार्टी अभी की नहीं है पता नहीं कितने सालों की हमारी पार्टी चलती आ रही है जब वाजपेयी जी हमारे फर्स्ट टाइम प्रेजिडेंट बने थे तब से हमारी भाजपा जो है कैसे काम कर रही है नोज नाइनटीन में जब हमारे एल के अडवाणी जी ने राम मंदिर की रथ यात्रा निकाली थी ताकि लोगों को अवेयरनेस देने के लिए तब भी इन लोगों ने वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट की थी तब भी वहाँ लाठीचार्ज हुआ था तो अगर उस टाइम पे वो चीज वो कर रहे थे तो अगर वो उस टाइम पे हो जाती तो मंदिर तभी बन जाता लेकिन मंदिर किसने बनाया मोदी सरकार ने कब बनाया दो में चौबीस में इसका उद्घाटन हुआ बट मोदी सरकार हर रिलीजन को प्रमोट करती है ऐसा नहीं हम बोल सकते कि हिंदू मुसलमान में भेदभाव हो रहा है कुछ नहीं हो रहा आप जब बाबरी मस्जिद बनेगी जो उनको हिस्सा दिया हुआ है जब वहां पे सब कुछ होगा तब आप देख लेना कि कैसे वो हर रिलीजन को एक, एक साथ लेकर चलते हैं ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदूज के हैं या वो सिर्फ पर्टिकुलर रिलीजन के नहीं वो सबके हैं और कह, कह रहे थे कि अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कि सब बोल रहे थे कि इनका तो कोई परिवार ही नहीं है क्यों नहीं है इनका परिवार हम इनके परिवार है सब इनका परिवार है क्यों नहीं है हम इनके परिवार जो इंसान अपनी अ, मतलब जो इंसान चौबीस घंटे काम करता है तो हम उसका परिवार क्यों नहीं बन सकते जो हमारे लिए काम कर रहा है ये तो इकलौते व्यक्ति की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री नहीं रहे तो फिर वही हाल जो दूसरी पार्टी वाले लूट रहे हैं इसी तरह से लूटेंगे ऐसा तो कुछ नहीं है जो हमारे बाकी नेता भी हैं वो भी अब बिल्कुल प्रधानमंत्री की बातों पे चलते हैं उनको समझते हैं कि इन्होंने कितना कुछ काम किया क्योंकि पहले जो है समझते हैं कि डरते हैं कहीं हम ना फंस है नहीं डरते तो नहीं है डरता कोई नहीं है केंद्रीय मंत्री को उनकी अपनी ड्यूटी दी है जैसे एक टीचर है उसको कोई और ड्यूटी दी है दूसरी टीचर को और ड्यूटी दी है वैसे हर किसी को उनकी जिम्मेवारियां मिली है और हम सब जिम्मेवारियों के हिसाब से ही देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं करप्शन भी खत्म करना चाहते हैं और जो कहा जाता है कि डेवलपमेंट नहीं ये नहीं है जम्मू कश्मीर में जो रूरल एरियाज है वहां पर जो औरतें थी वो अपना टाइम वेस्ट करती थी वो अः क्या बोलते हैं लकड़ी लाना उसको जलाना अब उनके पास गैस सिलेंडर्स भी पहुंच रहे हैं हर एक चीज पहुंच रही है सिटी हमारी डेवलप सिटी भी बन रही है और जे एक ऐसी चीज थी जिसे लोग डरते थे पता नहीं यहां कहाँ है अब हम भी जब जाते थे कहीं पर तो बोलते थे आपने आतंकवादी देखा है मतलब लोगों को इतना डर था जम्मू कश्मीर को लेकर hmm. अब आज आप देख लीजिए ना स्टोन फेल्टिंग होती है और जो मिलिटेंसी के केसेस थे वो भी कितने कम हो गए हुए हैं क्योंकि हम हम नहीं कुछ कह सकते कि, कि किसने इन सब चीजों में कॉन्ट्रीब्यूट किया है बट भाजपा सरकार जब आई है तो उन्होंने झंडा भी फैलाया है लाल चौक में तब झंडा भी फिरा है भाजपा की सरकार में ये किसी और सरकार ने क्यों नहीं फैलाया क्यों उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कश्मीर जाने की क्यों इतना वो डरते थे कश्मीर जाने से तो बड़ा कुछ भाजपा सरकार ने किया है और आने वाले समय में भी वो बहुत कुछ करेंगी महिला को एम्पावरमेंट दिलवाना महिला को घर से बाहर निकाल के उनके राइट्स के बारे में बताना जो हमारे तीन क्रिमिनल लॉज थे ब्रिटिशर्स के थे उनको तो हमने देश से निकाल दिया बट उनके लॉज को भी तो निकालना था ना क्योंकि उन्होंने जो लॉज बनाए थे वो पचास साल के हिसाब से बनाए होंगे कि पचास साल में इंडिया की ऐसी कंडीशन रहेगी क्राइम रेट बढ़ रहा था साइबर क्राइम का कंसेप्ट आया तो ये तीन क्रिमिनल लॉज जो थे वो किसने चेंज किए किसने सोचा इसको चेंज किया जाएगा किसने सोचा वुमेन्स को सिक्योरिटी मिलेगी किसने सोचा था कि रेप केसेस के लिए हम लोग पनिशमेंट्स बढ़ाएंगे तभी परसेंटेज भी कम होगी क्योंकि हमें नहीं पता दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा बट हम सिर्फ इनिशिएटिव कर सकते हैं एफर्ट्स कर सकते हैं और वो सारी भाजपा की सरकार ने तो किए एक जुलाई से वो भी लागू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता सारे प्रोविजन भी बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्त हर एक चीज भी हो रही है अब जो करप्शन करते हैं जिन्होंने करप्शन की उनको तकलीफ हो रही है भाजपा से जो समन आया आप समन पे आ जाते तो कोई आपको अरेस्ट नहीं करता वो पुलिस वालों की ड्यूटी है उन्होंने तो करनी है वो ड्यूटी अपनी वो तो बाउंड है उन्होंने तो ऐसा करना है जुडिशरी अगर आपके लिए कुछ अच्छा करती है तो आप उसकी वाह वाह करते हो वो कुछ गलत कर रही हो तो आप उसको दुद्कते हो ये कहाँ का लोग तो ये भी सवाल उठाते उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है तो बाकियों क्या होगा मंत्री ने ऐसे काम कौन से किए सर से बिजली सस्ती करा दी हुँ. इसके अलावा और क्या किया दिल्ली में रहकर दिल्ली को ही खोखला कर रहे हैं दिल्ली में रहकर दिल्ली में ही करप्शन कर रहे हैं तो वो कौन से मुख्यमंत्री है वो तो कहते थे मैं देश को ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा जेल में रहकर ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे अगर सच सच्चा था उनका दिल या उनको पता था कि वो सही है उनके पास अगर प्रूफ था अपनी अः करने का तो एक बार कोर्ट तो आते कोर्ट जाके समन को रिप्लाई तो करते कुछ जवाब तो देते वहां पर वो तो बाहर आके एविडेंसेस खत्म कर रहे थे तो कौन सा उन्होंने देश को आगे बढ़ाना है देश को खोखला करना है या आगे बढ़ाना है आप ये कह रहे हैं कि भाजपा की गलती नहीं गलती उनकी थी उस गलती को छुपाने के लिए वो ये सब कर रहे थे बिल्कुल एविडेंसेस को वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे कोई भी अगर मुजरिम है या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए समन आ रहा है कोर्ट से उसकी ड्यूटी बनती है उस समन का रिप्लाई करना उस दिन कोर्ट में पहुंचना जिस दिन उनको बुलाया है बट नो समन नो समन के बाद भी वो कोर्ट नहीं पहुंचेंगे तो वो फिर क्या करेंगे उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा सीएम थे ना फिर भी उनको इतनी वो दी थी ठीक है एक महीने तो दूसरे पे आएंगे दूसरे महीने तीसरे पे आएंगे नो समन के बाद भी नहीं ये पहुंचे तो फिर ये कैसे सीएम हुए जो लोगों को बताते हैं कि आपके ये हक है हम आपके लिए ये करेंगे वो उनको ये नहीं पता कि आपको समन आया तो आपको कोर्ट जाना है आपको वहां पेशी देनी है ये तो बाहर है कि करप्शन पे करप्शन और उसके एविडेंसिस को खत्म करते जा रहे थे तो फिर गलती इनकी है या हमारी है चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करें थैंक यू सो मच सर तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने के बाद कोई बच नहीं सकता तो केजरीवाल बचने का प्रयास कर रहे थे उसको उनको समन दिए जा रहे थे लेकिन वो समन का रिप्लाई नहीं कर रहे थे और उल्टा एविडेंस भी खत्म कर रहे थे और अब जब वो ईडी के पास पहुंचे तो गिरफ्तार भी हो गए लेकिन आपको क्या लगता है आप भी अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहे हैं दैनिक समाचार मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को देख तो नमस्कार